नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त शुभंकर आज एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्त, जितने सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, ग्लिच ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं या फिर किसी भी कंपनी में काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में समय तो देते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज बात करेंगे कि लोग समय तो देते हैं लेकिन पैसा क्यों नहीं कमा पाता है, क्यों नहीं आगे बढ़ पाता है, क्यों नहीं ग्रोथ कर पाता है, क्यों अपना बड़ा बड़ा सपना को पूरा नहीं कर पाता है, इसी के बारे में दोस्तों जानेंगे। 9 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। ये 9 पॉइंट अगर आप सही कर लेते हैं दोस्त, तो आप जरूर बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे और लाखों रुपया का जो सपना आप देखते हैं जल्दी कमाने का, वो आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो ये जो 9 बात मैं बताऊंगा दोस्तों, ये 9 बात आप नहीं करते हैं इसी कारण से आप कमा नहीं पाते हैं। तो ये जो 9 पॉइंट है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर और क्लिच ट्रेडिंग को लेकर इस तरह का लर्निंग वीडियो हमारे चैनल पर आते रहता है और आते रहेगा। बाकी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पहला पॉइंट है दोस्त, आपको कामयाब बनने से रोकता है, वो है वर्क रूटीन। आप डेली टू डेली वर्क रूटीन नहीं बनाते हैं, जिसके कारण आप डेली टू डेली आप कैसे समय बिताते हैं, आपका दिन कैसे चल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। आज समय बीत जाता है 24 घंटा, आप अफसोस करते हैं कि मैंने तो दिन भर कुछ नहीं किया। सेकंड जो पॉइंट है दोस्त, वो है लंबे समय से न्यू डायरेक्ट लाइन नहीं खोलना है। दोस्त, अगर आप अपने आप को नेटवर्कर कहते हैं तो आपको हमेशा न्यू डायरेक्ट लाइन खोलना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एक सही नेटवर्कर बनेंगे। तो दोस्तों, आपको डायरेक्ट लाइन खोलना पड़ेगा। थर्ड जो पॉइंट है दोस्त, मन के अंदर में नेगेटिव विचार रखना। दोस्त, बहुत सारे नेटवर्कर ऐसे होंगे जो हमेशा मन में नेगेटिव विचार ज्यादा रखते हैं, पॉजिटिव विचार कम रखते हैं। करते कुछ नहीं है लेकिन सोचते नेगेटिव है, इसी कारण से वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो आप इस तरह से मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, प्लानिंग और मीटिंग का हिस्सा ना बनना। जितने सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाते हैं, उसका सबसे जो मेन कारण है दोस्त, वो है ट्रेनिंग और मीटिंग का हिस्सा ना होना। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग और मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेगा तो कैसे चार्ज रहेगा, वो कैसे पॉजिटिव रहेगा, वो कैसे नया नया चीज सीखेगा, वो कैसे नेगेटिव माहौल से फाइट कर पाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए ट्रेनिंग और मीटिंग का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्त, सही समय पे अपलाइन को टारगेट ना देना। दोस्त, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होंगे जो अपने अपलाइन को टारगेट देता ही नहीं है। तो दोस्तों, जब आप टारगेट देंगे नहीं अपलाइन को पता नहीं चलेगा कि आपका टारगेट क्या है, तो फिर अपलाइन आपको फॉलो कैसे करेगा, कैसे आपको फॉलो अप करेगा, कैसे आपको बताएगा कि आपका टारगेट कैसे पूरा होगा। तो दोस्तों, आपका अपलाइन को आपका टारगेट बना के जरूर दीजिए, ताकि आपका अपलाइन आपको फॉलो अप कर सके, आपको बता पाए कि आपका टारगेट कैसे पूरा होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्त, अपने टीम के लोगों के साथ सही से रिश्ता ना रखना। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपने टीम के लोगों के साथ सही से रिश्ता ना रखने के कारण से फेल हो जाता है, क्योंकि जब आप टीम में काम करते हैं तो टीम ही आपका सब कुछ है और टीम के लोगों के साथ रिश्ता आपको रखना पड़ेगा सही से, तो ही फिर आपका टीम में आप ग्रोथ करेंगे और आपका टीम में आप भी कमाएंगे ज्यादा पैसा और आपके सारे टीम कमाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, अपलाइन को सही सम्मान नहीं देना। दोस्त, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होंगे जो अपने आप को ही बहुत बड़ा पंडित समझ लेते हैं, उसको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं आप अपलाइन से क्या पूछूंगा, मैं आप अपलाइन को क्या बताऊंगा, मैं ही तो सब कुछ हूँ। ये सोच के बहुत सारे लोग अपने अपलाइन को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, और इसी कारण से उसको भी उसका जो डाउनलाइन है उसका डाउनलाइन उसको सम्मान नहीं देते हैं, और ऐसे करके एक नेटवर्क खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्त, कंपनी का ट्रेनिंग को सही से नहीं लेना। दोस्त, हर एक कंपनी का अलग अलग ट्रेनिंग है, तो जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर अपने कंपनी का जो ट्रेनिंग और प्रोसेस है उसको सही से नहीं लेता है, सही से नहीं सीखता है, वो कैसे कामयाब होगा। तो दोस्तों, आप ये गलती ना करें, आप अपने कंपनी का सारे ट्रेनिंग क्लास को एक एक करके लीजिए और बेहतर ढंग से सीखिए, क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग क्लास जब आप नहीं सीखेंगे तो आप जिंदगी में कैसे ग्रोथ करेंगे और आपका कंपनी का सिस्टम के बारे में आपको कैसे पता चलेगा जब आपका कंपनी का ट्रेनिंग आप नहीं लेंगे। तो दोस्त, आपका कंपनी का सारे ट्रेनिंग आप कैसे भी कहो आप जरूर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है दोस्त, टीम में सही से ध्यान नहीं देना। ज्यादातर जो लीडर है दोस्तों, वो खत्म इसीलिए हो जाता है क्योंकि टीम पे सही से ध्यान नहीं देता है। अपने डाउनलाइन के प्रति ध्यान रखना पड़ेगा, अपने डाउनलाइन को फॉलो अप करना पड़ेगा, चाहे वो साइड लाइन हो, चाहे वो मेन लाइन हो, चाहे जो भी हो, अपने हर एक डाउनलाइन के प्रति ध्यान रखना पड़ेगा,
तभी जाके हर एक डाउनलाइन उसके लिए जुनून के साथ काम करेगा और आपका सपना पूरा होगा और आपका डाउनलाइन का सपना भी पूरा होगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपके सारे डाउनलाइन सारे टीम मेंबर को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो लोग ये गलती ना करें और अपने जिंदगी में बेहतर नेटवर्कर बन के लाखों रुपया का चेक कमाए। बाकी दोस्तों इस तरह का लर्निंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हर गलबे घर घर गलबे।